भैया फिर मल्लिका से बातें। निकी पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मल्लिका आई थी। कौन मल्लिका? अरे क्या कौन मल्लिका, ये मल्लिका मेरी मल्लिका पोस्टर से बाहर आई थी, पोस्टर से। इधर इधर मैं तुम्हें सब समझाता, इधर बैठ। पता है क्या हुआ, पहले मैं बेड पर उसके सामने बैठकर बातें कर रहा था ऐसे। मल्लिका एक बार, सिर्फ एक बार मेरे पास आ जाओ। और फिर पता है उसके बाद क्या हुआ? फिर वो पोस्टर से बाहर आई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पोस्टर के अंदर खींच लिया। ओ गॉड, वो इतनी सुंदर लग रही थी, मैं तो बस देखते ही रह गया। और फिर पता है क्या हुआ, फिर वो नाचने लगी ऐसे, और फिर मैं भी उसके साथ नाचने लगा। ओ गॉड अमेजिंग। और फिर तू बीच में आ गई, पूरा सीन गड़बड़ कर दिया, पूरा सीन। अगली बार मत करना। पापा। क्या पापा? भैया पागल हो गए। क्या वो मल्लिका के साथ डांस कर रहे थे? मल्लिका? कौन मल्लिका? वही फिल्म स्टार। क्या फिल्म स्टार मल्लिका के साथ डांस कर रहा है? चुटकी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पापा ऐसा मैं नहीं, भैया कह रहे थे कि मल्लिका पोस्टर से बाहर आई, उनके साथ डांस किया और फिर पोस्टर के अंदर चली गई। What nonsense! किचो! जी पापा। कहाँ हो तुम? मैं आऊँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम उस मल्लिका के साथ डांस कर रहे थे? जवाब दो। निकी? उसको मत देखो, मैं पूछता हूँ तुम मल्लिका के साथ डांस कर रहे थे कि नहीं? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? होगा क्या, ये लड़का पागल हो गया है। और ये हमारी गलती है कि हमने इसके पागलपन को पहले रोका नहीं है। लेकिन आज के बाद मल्लिका की एक भी तस्वीर इस घर में नहीं रहेगी। That I promise। हट जा। पापा नहीं पापा। मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से। पापा नहीं पापा, ये क्या कर रहे हो? इसने आपको क्या बिगाड़ा पापा? प्लीज पापा, ये क्या कर रहे हो? पापा ये मेरा कमरा है। तुम्हारा कमरा है लेकिन घर मेरा है, और यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। पापा यही पापा, प्लीज क्या कर रहे हो पापा? कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, तंग आ गए हो इस बकवास से, पागल हो गए हो तुम। पापा लगा। उस्मान भाई ने डांटा, काम करने को मना किया, बुरा लगा? नहीं लगा ना, लेकिन काम नहीं करना क्या है, नुकसान हो जाएगा ना। पहले देखने का, समझने का, फिर काम करने का। ताजमहल होटल मालूम है ना? मेरा नहीं, लेकिन मेरा हो सकता था। यह उस्मानाबाद का उस्मान टोपी एक जमाने में यह शहर में क्या नाम निकाला तेरे को मालूम है? अरे ये शहर में मैं कैसा तरक्की किया। ये उस्मान भाई सेठ बन के जब मैं निकलता था ना रोड पे, तो मर्सिडीज गाड़ियां उस्मान भाई सेठ करके सलाम मारती थी। उस्मान एक्सपोर्ट्स, उस्मान रेडीमेड गारमेंट्स, उस्मान कंस्ट्रक्शंस, बहुत तरक्की किया। फिर तकदीर ने यू टर्न मारा, गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी सब यू टर्न मार के चला गया। यहाँ तक कि मेरी फरीदा भी। फरीदा? मेरी बीवी चली गई छोड़ के, हाथ में हेयरपिन रह गया, वो भी यू। बस एक होटल रह गया, उसका नाम दे दिया होटल यू टर्न, क्योंकि जिंदगी यू टर्न, समझा बेटे? पता नहीं कब किसकी जिंदगी कौन सा टर्न मार देवे। चलो अभी सो जाने का, सुबह 5 बजे उठने का जी। कस्टमर कोई नहीं होएगा, लेकिन क्या है, साफ सफाई के लिए उठना पड़ता है ना। चलो। क्या होटल है मेरा, यहाँ कस्टमर से ज्यादा नौकर लोग है। गुड नाइट।
ब्यूटीफुल लग रही हो भाई, और मेरी गुड़िया बिल्कुल परी नहीं नहीं बिल्कुल भूता लग रही, भूता। गुड इवनिंग। अरे क्या हो गया? अरे कोई कुछ बोलेगा, क्या हो गया? आपके लाडले भांजे के पर निकल आए हैं। एक दो फिल्में क्या चल गई, अपने आप को सुपरस्टार समझने लगी है। क्या किया उसने? पापा गलती से मैंने उसकी फ्रॉक छू ली तो उसने मुझे इतना बुरा भला कहा कि पूछे मत। इतना ही नहीं, जब मैंने कहा कि फंक्शन थोड़ा देर से शुरू होगा तो उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, शायद कुछ ज्यादा ही ढील दे दी मैंने उसे। सुना तुमने फंक्शन में जाने से इनकार कर दिया? नहीं नहीं मामा जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि वो फंक्शन देर से शुरू होने वाला है और मेरी सुबह में शूटिंग है। तुम क्या समझती हो, कैमरे के सामने एक्टिंग कर ली, नाच लिया तो सब कुछ हो गया? इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो संभालना पड़ता है। फंक्शन में मिनिस्टर आ रहा है, कस्टम ऑफिसर आ रहा है, इनकम टैक्स कमिश्नर आ रहा है। इन टैक्स वालों का एक बार भेजा फिर गया ना तो मौका मिलते जेल के अंदर डालने के तुम्हें। फिर इसलिए बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है ना, है ना? तैयार हो जाओ जल्दी। अरे जल्दी कर, हार बदलो चाहे यार। कौन है? बंद कर दरवाजा, बंद कर। हाँ, हाँ। ले आया? हाँ, दरवाजा पे रहना तू। ये ले बेटे, ये ले कुछ पैसे हैं, इसमें बुरखा है, इनको पहना के फटाफट दरवाजे से निकल जा। दरवाजे से उस्मान भाई? अरे बेटा ये तो बुरखे में होगी, तुझे कोई पहचानता नहीं, समझ गया ना? हाँ। लेकिन भागना नहीं, समझ में आया ना? चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता निकल जाना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। अरे बोलना बंद है, रोज साल होटल में एक भी कस्टमर नहीं आता और आज कस्टमर लोग का लाइन लग गया। उस्मान भाई कौन है? पुलिस, पुलिस, पुलिस। चुपचाप 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 दरवाजा, वो पुलिस है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? सुनाई नहीं दिया साहब, वो आप तीसरी बार ठोका ना तभी सुनाई दिया। आज काफे बंद है। क्यों? वो मैं रोज चालू रखता हूँ इसलिए आज बंद है। क्या काम है साहब, कुछ खाएंगे? सादा मसाला मैसूर डोसा इडली ओनियन क्या लीजिएगा साहब? चाय पियेंगे? कड़क मीठी शक्कर? चाय नहीं पीता मैं। अच्छा तो कॉफी पियेंगे? एकदम फर्स्ट क्लास बनाता हूँ। कॉफी भी नहीं पीता। अच्छा तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? कोल्ड ड्रिंक साहब? साहब वहां कहां जा रहे हैं? खड़ा रहे, तेरी ये हिम्मत? क्या कहा? नहीं नहीं साहब, कीड़ा है कीड़ा, बदतमीज सांप को काटता है। साहब जूस लेंगे? जूस एकदम अच्छा है, अब लीजिए ना साहब। बाजू के बंगले में क्या हुआ जानते हो तुम? हाँ बहुत बुरा हुआ, कितनी मासूम बच्ची थी। साहब गाठिया लो ना, मस्त है। ए साहब गाठिया खाएगा क्या? साहब बहुत दुख हुआ सुनकर। अच्छा ये बताओ, हाँ मल्लिका को तुमने आखिरी बार कब देखा? मैंने मल्लिका को आखिरी बार चिड़ियाघर में देखा। चिड़ियाघर? उसकी पिक्चर आई थी ना चिड़ियाघर, कितना अच्छा काम किया था साहब। इस एरिया में कोई नया आदमी दिखा आते जाते? नया आदमी बस आपको ही देखा साहब। और किसी को देखा? नहीं और किसी को नहीं देखा साहब, इधर तो क्या है हम लोग गले को देखते हैं ना, आदमी थोड़ी देखता है। आदमी थोड़ी देखता है, क्या करता है क्या करता है क्या करता है, ये लोग नुकसान कर देता है साहब, समझाओ ना साहब। निकल जाओ बाहर, निकल जा साहब। आप बैठिए ना, चलते रहेंगे तो थक जाएंगे साहब। साहब कहाँ जा रहे साहब? साहब केक, आज मेरा बर्थडे साहब, हैप्पी बर्थडे साहब, आज से बर्थडे, ठीक है आज से बर्थडे साहब, बैठिए ना साहब, बैठिए ना, आज से बर्थडे साहब। वहाँ कहाँ जा रहे साहब? साहब शादी गाड़ी रोको। Thank you.
एक्सक्यूज मी मलिका जी कहाँ है? मलिका जी उस तरफ मेकअप रूम में। लेकिन बात क्या है मलिका? कुछ नहीं, कुछ भी तो। लेकिन तुम रो क्यों रही हो मलिका? किटू, तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे जाना है। मलिका, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें जाना नहीं दूंगी। किटू प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। किटू मेरा हाथ छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने किया क्या है मलिका? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है किटू, किसी का भी कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। सोचती हूँ ये सब कुछ हमेशा मेरे साथ क्यों होता है। पता है किटू, बचपन में मेरी माँ गुजर गई, उसके बाद से आज तक सिर्फ काम करती आ रही हूँ मैं, अपने मामा जी उनका परिवार बस सबको सहती आ रही हूँ। और फिर अचानक एक दिन तुम मिल गए किटू, जिंदगी का जैसे मतलब ही बदल गया। माँ के गुजर जाने के बाद पहली बार अपने आप को इतना आजाद, इतना खुश महसूस कर रही थी मैं। और फिर न जाने कब मैं तुमसे प्यार करने लग गई किटू। फिर वहां भी पता चला कि तुम तो पहले ही किसी और के हो। हाँ, और निशा बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत प्यार भी करती है, और मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा, मेरे साथ क्यों। किटू आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलने आना, मुझसे कभी मत मिलने आना किटू, क्योंकि मैं नहीं सह पाऊंगी किटू, मैं नहीं सह पाऊंगी। निशा, मलिका से तुमने कुछ कहा? क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। तुम पागल हो गई हो क्या? पागल क्या मतलब किट्टू? निशा, मलिका ने तुम्हारी सारी बातों को सच मान लिया। मैं समझ नहीं रही किट्टू, क्या? अरे क्या नहीं समझे, मलिका समझे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन ये सच है ना किट्टू? मजाक बंद करो निशा, तुम लोग तो जानते हो कि मैं मलिका से कितना प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे प्यार करती है। निकी, हमें सच कह रहा, वो भी मुझसे प्यार करती है, उसी ने मुझे बताया, और मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझसे प्यार कर सकती है, वो मेरी हो सकती है, और इसकी एक बेवकूफी की वजह से सब गड़बड़ हो गया। मलिका ये समझते कि मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हम लोग दोनों शादी करने वाले हैं, और वो इसलिए बीच में नहीं आना चाहती। अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं, उसे कैसे समझाऊं कि मैं और निशा सिर्फ दोस्त है, और मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ, निशा से नहीं। वो मेरी बात का कभी यकीन नहीं करेगी निकी। अब मैं क्या करूं?